Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की आज शादी है। शादी से पहले दोनों की हल्दी सेरेमनी हो गई है, जिसमें परिवार वाले शामिल थे। हल्दी में जाते हुए नीतू कपूर, रिधिमा कपूर और शाहीन भट्ट और सोनी राजदान नजर आए थे। नीतू ने येलो कलर का सूट पहना था, रिधिमा ने व्हाइट फ्लोरल कलर का सूट। सभी के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। हालांकि बाकी कोई सेलेब या परिवार के लोग इस दौरान नजर नहीं आए, जैसे कि करीना कपूर खान और करिश्मा कपूर, क्योंकि ये दोनों मेहंदी सेरेमनी में गई थी। वैसे शादी के फंक्शन के बीच भी नीतू कपूर सोशल मीडिया पर एक्टिव है और फोटोज शेयर कर रही है। अब नीतू ने मेहंदी की फोटो शेयर की है। उन्होंने अपनी हाथ की फोटो शेयर की है, जिसमें उन्होंने मेहंदी से ऋषि कपूर का नाम लिखवाया है। नीतू की इस फोटो को देखकर साफ पता चल रहा है कि वह इस मौके पर ऋषि कपूर को बहुत याद कर रही हैं। इससे पहले खबर आई थी कि मेहंदी फंक्शन और पूजा के दौरान नीतू कपूर इमोशनल हो गई थी, क्योंकि उन्हें ऋषि कपूर की याद आ गई थी। वैसे आप सभी को बता दें कि ऋषि कपूर चाहते थे कि वह धूमधाम से रणबीर और आलिया की शादी करे। कुछ दिनों पहले सुभाष घई ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि ऋषि कपूर चाहते थे कि वह साल 2020 के एंड में रणबीर और आलिया की शादी करवाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और वह हम सबको छोड़कर चले गए। सुभाष ने ये भी कहा कि उन्हें खुशी है कि रणबीर और आलिया अब उनके इस सपने को पूरा कर रहे हैं। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.